भारतीय जनता पार्टी जिला जामताड़ा इकाई द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह नगर पंचायत जामताड़ा के पूर्व अध्यक्ष श्री वीरेंद्र मंडल ने प्रेस को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व अध्यक्ष श्री वीरेंद्र मंडल सर्वप्रथम जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को अपनी संवैधानिक सीमा का उल्लंघन करने की चेतावनी देते हुए कहा कि जामताड़ा विधायक अपने पद की गरिमा को भूल चुके हैं एवं खुद को एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि होते हुए खुद को मुख्यमंत्री बताना अपने पद की गरिमा का अपमान के साथ साथ एक राज्य के मुख्यमंत्री का भी अपमान है। श्री मंडल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इरफान अंसारी को मानसिक दिवालियापन से ग्रसित बताते हुए कहा कि अगर वह अपने बयानों से बाज नहीं आए तो भाजपा लोकतांत्रिक रूप से उन्हें घेरेगी और एवं हर संभव विरोध करेगी। श्री मंडल ने प्रेस से आगे बातचीत करते हुए कहा कि आज पूरे भारतवर्ष में जो भी कार्य अथवा योजनाएं चल रही हैं, वे सब भाजपा के ही देन हैं, जिसे हमारे माननीय विधायक भूल चुके हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ सिलावट में अपना नाम चाहिए, उन्हें उद्घाटन करने की बीमारी आ चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्री सोमनाथ सिंह ने करते हुए कहा कि जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी यह भूल चुके हैं कि जामताड़ा माँ चंचला के पावन धरती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का हुक्म चलता है। हमारे संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि कोई भी किसी जगह का मालिक नहीं हो सकता, परंतु हमारे विधायक जी राजनीति में इतने कुशल हो चुके हैं कि वे संविधान से ऊपर बात करने लगे हैं। मौके पर सुकुमार सरखेल, सुमित सरन, रंजीत प्रसाद यादव, संजय ओझा, अंगभूति झा, अनूप मांडे, चंदन राउत, पिंटू गुप्ता, रंजीत राणा, नागेश्वर मंडल सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। पिछले दिनों जिला में हुई दिशा की बैठक में माननीय सांसद दुमका आदरणीय सुनील सोरेन जी ने संविधान में प्रदत्त शक्तियों का उल्लेख करते हुए स्थानीय विधायक इरफान अंसारी को सुझाव दिया था कि संसदीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार की योजना का शिलान्यास या उद्घाटन हो तो उसमें सांसद का भी नाम होना अपेक्षित है। बिल्कुल यह संवैधानिक अधिकार है और संविधान में प्रदत्त शक्तियों के तहत ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन लगातार इरफान अंसारी जब से विधायक बने हैं किसी भी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं, इसको शिलान्यास और उद्घाटन करने का एक शौक लगा है, हुब लगा हुआ है, योजना लाने की इसको शक्ति नहीं है। किसी भी प्रकार का आज तक किसी भी तरह का कोई योजना जामताड़ा में नहीं लाया है, लेकिन शिलान्यास और उद्घाटन करने का इसको जो एक तरह से शौक लगा हुआ है। पिछली हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से जितनी योजनाएं आई उसमें भी यह नियम के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन शिलान्यास उद्घाटन जिसमें कर चुके उसको भी उद्घाटन और शिलान्यास करना शुरू कर दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से केंद्रीय योजना जो है वह योजना जो अभी जामताड़ा संसद विधानसभा और दुमका संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चल रहा है उसमें भी इरफान अंसारी जी के माध्यम से प्रोटोकॉल के खिलाफ जहां तहां शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। यहां तक ये तो शोचनीय तथ्य है और बहुत ही जो हास्यप्रद है कि किसी भी योजना का शिलान्यास और उद्घाटन कोई जनप्रतिनिधि नहीं करते, कंसर्निंग ऑथोरिटी जो उसकी कार्यकारी एजेंसी है वह शिलान्यास उद्घाटन का कार्यक्रम रखते हैं, वो शिलापट बनवाते हैं, उसमें जो है माननीय जनप्रतिनिधियों को जो है बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की कंसर्निंग ऑथोरिटी के माध्यम से कोई शिलापट नहीं लगाया जा रहा है। इरफान अंसारी के गुर्गे जाके शिलापट लगा देते हैं, नियम के विरुद्ध जाके फोटो खिंचवा लेते हैं, बिल्कुल नियम के विरुद्ध, इस पर तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए, इस पर क्रिमिनल ऑफेंस चलना चाहिए। सब सारी चीज़ों को लेकर के यह कहते हैं हम जन्मजात जो है इसका अपना राजनीति करने वाले हैं। मैं इन्हें चुनौती देता हूँ कि जन्मजात राजनीति करने वाले जो है आप नहीं हैं, बल्कि विरासत पर आपको यह नौकरी मिला है, अनुकंपा पर आपको विधायिका मिल गया, इसलिए आपको कोई जानकारी संविधान की नहीं है। जिसको अनुकंपा पर मिल जाता है उसे कोई जानकारी नहीं होता है और बाप के बनाए हुए संपत्ति को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आप किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं रखते हैं और विरासत पर किसी व्यक्ति को कोई कार्य मिल जाता है तो उसको अहमियत नहीं देता है। जो बाप की खरीदी हुई गाड़ी पर ड्राइवरी करता है वो अच्छा ड्राइवर नहीं हो सकते, जो खलासीगिरी से ड्राइवर बनता है वही अच्छा ड्राइवर हो सकता है। ठीक उसी प्रकार आप बाप के बदले अनुकंपा पर आप विधायक बन गए तो आप अच्छा विधायक नहीं हो सकते हैं, आप जनप्रतिनिधि अच्छे नहीं हो सकते, आपको संविधान की जानकारी नहीं हो सकती है। जहाँ तक कहते हैं मछली को पानी में तैरने के लिए नहीं सिखाया जाता है, मैं उसे कहता हूँ, मैं उसे चुनौती देता हूँ,
भैया ये जरूर बात है कि मछली को पानी में तैरने सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन पानी के बिना मछली बेकार है। पानी नहीं है तो मछली तड़प तड़प कर मर जाएगा। तो पानी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, योजना भारतीय जनता पार्टी के पास, आपके पास तो योजना है ही नहीं। तो शिला और शिलापट क्या लगाओगे, शिलान्यास उद्घाटन क्या करोगे आप? इसलिए पानी से बैर मत करो, मछली हो तो पानी से मोहब्बत करो। कथा टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रहीमन फिर पोहिए, टूटे न मुक्ता बार, टूटे न मुक्ता हार। आप जो है इसका बोलते हैं इस प्रकार की बातों को जो आप जो कर रहे हैं बिल्कुल बेतुका बातें हैं, है ना। मछली को पानी के बिना नहीं रह सकता। तो आज जो है सो आज पिछले विगत 5 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो तो जो भी योजना वही योजना आज चल रहा है। वर्तमान में जो भी नई सरकार बनी है, जिस सत्तारूढ़ दल के आप विधायक हैं, उससे जो भी लगभग जो है सो हमें लगता है कि 9 महीने का कार्यकाल हो रहा है। इस 9 महीने के कार्यकाल में अगर एक भी योजना आप दिखा दोगे तो मैं मान लूँगा आप शिलान्यास और उद्घाटन करो। आपका 8 महीना से ट्रेजरी बंद है, जो पिछली सरकार के माध्यम से जो भी योजनाएं थी उसकी भुगतान आप नहीं कर रहे हो, एक भी योजना नहीं आई है, किसी प्रकार का कोई रणनीति नहीं है, विकास का कोई एजेंडा नहीं है, कोई मिशन नहीं है, विजन नहीं है। आप एक तो विकास नहीं कर रहे, कोई योजना नहीं ला रहे, कोई जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है उस पर आप शिलान्यास और उद्घाटन की बात करते हो। भारतीय जनता पार्टी आपके इस बचकना बयान का कड़ा विरोध करती है, और आप सुधर जाइए और संवैधानिक अधिकारों के तहत बयानबाजी करिए। अगर माननीय सांसद सुनील सोरेन के विरुद्ध में दोबारा अगर इस प्रकार से असंवैधानिक बातों को आप रखते हैं और नियम के विरुद्ध बातों को करते हैं, भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं छोड़ेगी और लोकतांत्रिक प्रणाली से आपका विरोध होगा। और आप अगर इस बयानबाजी को बंद नहीं करेंगे तो हम लोग लोकतांत्रिक प्रणाली से आपको जहां पाएंगे वहां घेरेंगे, और किसी भी कीमत पर आपको न छोड़े। ये मत बूझिए आप कुछ नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी आपके पीछे लग जाएगी तो लोकतांत्रिक प्रणाली से जब विरोध करना शुरू कर देगा तो आपका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। इसलिए आज यह एक तरह से सांकेतिक आपको सुझाव दे रहा हूँ, इस सुझाव को अमल करें। अगर नहीं अमल करेंगे तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा, भारतीय जनता पार्टी जनहित में जो है लोकतांत्रिक प्रणाली से आपको घेरेगा। धन्यवाद। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी द्वारा जिस प्रकार के घोर उन्होंने असंवैधानिक बयान दिया है, इसका भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी घोर निंदा करती है, भर्सना करती है। उन्होंने जिस प्रकार से जामताड़ा को एक प्रदेश घोषित कर दिया कि हम जामताड़ा के मुख्यमंत्री हैं, हम यहाँ पर राज करते हैं, ये एक तरह से दादागिरी हो गया। दादागिरी जामताड़ा की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। 25 साल तक उनके पिताजी फुरकान अंसारी ने जामताड़ा को रसातल में भेजने का काम किया है, और उनका बेटा जो सीधे कुछ कांग्रेसियों को हक को मारते हुए उन्होंने विधायक बना है, उन्होंने 6 साल तक विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, खाली ढकोसला किया है, नौटंकी किया है। और वह इस प्रकार से अभी माहौल बनाया पूरा झारखंड में कि पूरे झारखंड के जनता उनको देखकर मनोरंजन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जामताड़ा के विधायक के द्वारा जो माननीय सांसद के विरुद्ध जो बयान दिया गया है सरासर गलत है। जामताड़ा के विधायक और उनके पिताजी 28 वर्षों से जामताड़ा विधानसभा के लोगों को बुड़बक बनाने का काम करते हुए आए हैं। इन लोगों को घमंड हो गया है, विधायक को, इसके पिताजी को, इसके लोगों को घमंड हो गया है। तो इन लोगों को समझना चाहिए कि ये माँ चंचला की पावन भूमि है, यहाँ किसी का घमंड नहीं चलता है। सांसद के बारे में आप उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं भाई। आपके जैसे 6 विधायक जो है एक लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, इसलिए मैं विधायक जी से कहना चाहता हूँ कि आप गरिमा में रहे, हद में रहे, हद को पार मत कीजिए। आज आप सांसद के बारे में बयान दे रहे हैं, कभी जमाती के बारे में बयान देते हैं, क्या है भैया आप मुख्यमंत्री हैं, जामताड़ा के आप मुख्यमंत्री अपने आप को बोल रहे। कल कोई बोल देगा कि मैं जामताड़ा का विधायक हूँ, क्या मतलब है? इसलिए उलुल जुलुल बयान देना बंद कीजिए और अपने हद में रहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जवाब देने जानती है। हम लोग बैठेंगे नहीं और जब जहाँ ज़रूरत होगा जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बने रहिए स्टार सिटी 24 के साथ। धन्यवाद।